सभी राज्यों की पुलिस एवं सेंट्रल एजेंसीज लगातार ड्रग्स के खिलाफ एक जंग मोड़ी है। भारत की सीमा में अंदर घुसने से पहले ये दिल धड़क ऑपरेशन ये सभी एजेंसीज ने साथ में मिलकर एक सफलतापूर्वक पार किया है। गुजरात एटीएस के पीआई श्री जेएम पटेल की माहिती के हिसाब से पिछले कई दिनों से ये ऑपरेशंस की तैयारियां और ये विषय पे कामगिरी चल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एड न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनुष शर्मा। समंदर में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अरब सागर में पोरबंदर से 350 किलोमीटर दूर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड एनसीबी और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया गया है। साथ ही एजेंसियों ने पाकिस्तानी नाव भी जब्त की है। पाकिस्तानी नाव पर सवार 6 क्रू सदस्य भी पकड़े गए हैं। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है। एटीएस अध्यक्ष सुनील जोशी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एक्शन करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों को उस समय पकड़ लिया जब वे रात भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। एटीएस अध्यक्ष ने आगे बताया कि पाकिस्तानी ड्रग्स तस्कर हाजी मुस्तफा के निर्देश अनुसार पाकिस्तानी चालक दल को भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रेडियो चैनल का उपयोग कर भारतीय नाव को संकेत देना था। पिछले 3 सालों में एटीएस गुजरात और एनसीबी के साथ संयुक्त रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा यह 10वीं गिरफ्तारी है, जिसमें 3135 करोड़ रुपए मूल्य की 517 किलोग्राम ड्रग्स की मात्रा है। पिछले 30 दिनों में गुजरात तट पर जब्त की गई यह दूसरी बड़ी ड्रग्स खेप है। इससे पहले फरवरी को गुजरात के तट संदिग्ध पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों द्वारा संचालित एक नाव से कम 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया था। इन दवाओं की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के अनुसार ये पूरी खेप पाकिस्तान से हाजी सलीम सिंडिकेट ने भेजी थी। इससे पहले भी भारत भेजे गई कई बड़ी ड्रग्स खेप के पीछे हाजी सलाम सिंडिकेट का हाथ था। भारत के कुछ लोकल ड्रग्स गिरोहों के साथ भी ये संपर्क में था। हाजी सलीम पाकिस्तान का एक बड़ा ड्रग्स सप्लायर है, जिसके कई मॉड्यूल्स हैं। इसके जरिए वह श्रीलंका, मॉरिशस समेत कई दूसरे देशों में अपना सिंडिकेट फैला रहा है। पाकिस्तान की इस तरह की करतूत एक तरह से लो कॉस्ट वॉर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान ड्रग्स का सहारा लेकर देश के युवाओं को खोखला करने की साजिश रच रहा है। जांच एजेंसियों को ऐसे देश के दुश्मनों का साथ देने वाले घर के भेदियों को भी ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि बिना लोकल की मदद से पाकिस्तान ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप को भारत में नहीं लाया जा सकता है। इस तरह की हरकत से पाकिस्तान भारत पर एक सॉफ्ट टारगेट हिट करना चाह रहा है। इसके लिए ना तो किसी आतंकी की जरूरत है और ना गोली बारूद की। अब ड्रग्स के जरिए देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी जांच एजेंसी और संबंधित विभागों की मुस्तैदी से यह खतरा टाला जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खास खबरों के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।